तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय मांडवासिनी। देखिए, कल का हवन बहुत बहुत अच्छा हुआ है और इसका रिजल्ट भी आने वाला है। इसका रिजल्ट आज शाम तक ही मिल जाएगा। और रिजल्ट आना क्या, मुझे कल से रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ये हवन होने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई। आप हवन को ध्यान से देखिए, हवन में साफ साफ चेहरा नजर आ रहा है कि स्पीकर पे एक औरत का चेहरा नजर आ रहा है, बड़ा टीका लगाए हुए है। एक हवन में एक आदमी का चेहरा नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे चेहरे आए हैं, आप ध्यान से देखिए। तो वीडियो जिसने भी ध्यान से देखा होगा उसको तुरंत पता चला होगा दुश्मन कौन है। और ये सारी शक्लें मेरे घर में आती जाती हैं, सारी शक्लों का समावेश है यहाँ पे। क्या हुआ है, दो दिन पहले मैंने कुछ वीडियो बनाया था, याद है आपको, कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि सामने वाले को जबरदस्ती इस तरह से काम दिलाने की, जो आदमी राजा है उसको काम दिलाने की। वो बातों को उल्टा किया गया है। वो सोच रहे हैं कि नाम मेरा, कि मैडम ने ऐसा डाला है, कुछ होएगा तो मैडम के ऊपर नाम आएगा। अबे सालो, तुम जैसो की माँ हूँ मैं। मैंने क्या बोला, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, उस स्कूल के हेडमास्टर हूँ मैं। अब देखो क्या होता है तुम्हारा। अभी तो हमें उसको सजा देनी है जो इस सारी बातों का जड़ है, जो इस पूरी बातों का जड़ है, जिसने ये सारा काम किया। सजा तो मैंने कल दे दी, आपने देखा ना, मिर्ची की बुक्की से जब हवन किया था तभी असर हो गया था। लेकिन नहीं, आज रात को आप अभी देखो, कल रात से ही शुरू हो गया। मेरे को आज 5-6 जनों का मैसेज आ गया, दी हम लोग को रात में सपने में दर्शन हुए एक लंबे से आदमी को। तो पहले आपको दर्शन के थ्रू ही होंगे, फिर इंसानी रूप में किस तरह से आपको मिलेंगे वो मैं बताऊंगी नहीं, खुद ब खुद आपको आप बोलेंगे मुझे मैसेज करके कि दीदी हमको मिले। क्योंकि जो काम हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, सारी शक्तियां कैसे सामने आ रही हैं और सारी शक्तियां कैसे बैंड बजाने पर लगी हुई हैं। मुझ तक आने के लिए और हमारी चीज़ों पर नजर रखने के लिए इंसान को मतलब यमराज से लिखवा के आना पड़ेगा, पहली बात तो मेरे तक आने के लिए। और ये जिसने हरकत की है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, शाम तक उसको सजा मिलेगी। ये झगड़ा लगाने की बात की गई है कि झगड़ा हो, ये हो वो हो आपस में, कि कोई दुश्मनी नहीं फिर भी झगड़ा हो, काम इनका काम हमारा, नाम इनका आना चाहिए आपस में। ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि देखो मैं माँ बगलामुखी की पुजारी हूँ, वो ऐसा करने नहीं देंगे। माँ बगलामुखी के जाप में इतना असर होता है ना कि वो उठा के पटकने वाला काम करती। और ये जिसने हरकत की है, जिसने मेरे नाम का सहारा लेके, मेरी वीडियो का सहारा लेके काम को अंजाम पहुँचाया, उसको तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगी अगर उसको किसी ने बचा लिया ना, तो मेरा नाम बदल देना, बस देखो। दूसरी बात, ये शक्तियां एक्टिवेट हो गई हैं। आज भी, अभी आज रात को भी जिसको दर्शन मिलेगा, आज भी अभी भी आपको 1 बजे सबको सिगरेट अगरबत्ती लगाना है। कल आपका सब, हाँ पहली बात तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने सिगरेट अगरबत्ती लगा दी थी 6 बजे। उसके बाद पूरी जगह को हमने घेर लिया था, कोई नहीं निकल पाया था। सारी चीज़ें बराबर सब अपनी अपनी जगह पर आ गई थी, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी वापस से आपको 1 बजे अभी और रात को 11 बजे सिगरेट और अगरबत्ती लगाना है। सबसे पहले बोलना है कि हमारा केशव आए, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति आपकी केशव है। मैं ऐसा बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि केशव का आगमन आने का टाइम हो चुका है। अब आप लोगों का काम है, क्योंकि शायद मुझे आखिरी टाइम पर फिर ऑपरेशन कराना पड़े, लेकिन अब आप लोगों की ताकत है और आप लोगों की, कहते हैं 1 से बढ़े 10, कहते हैं एक लकड़ी तुरंत टूट जाती है, जब 4 लकड़ी का गत्थर कोई तोड़नी पड़ता है, तो 4 लोगों की दुआ कभी बहुत काम आती है। तो लगा सिगरेट और ऐसा करो कि बस केशव का आगमन हो। और जब आप केशव के लिए बोलेंगे तो शक्तियाँ बहुत खुश होती, क्योंकि शक्तियाँ उनके मामा है ना, तो बहुत जल्दी खुश होती हैं। और दूसरा ये लगाओ कि जो हमारी विद्यार्थी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो उनके नाम का सहारा लेके लोगों को हर्ट करने की या लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, उनको तो आज शाम तक धराशायी मारो। चाहे उनके साथ कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बाकी तो मैंने तो कल जो हवन किया है वो हवन, एक तो मैं जल्दी हवन करती नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन जब जब हवन किया है तब तब कुछ नया हुआ है, कुछ यूनिक हुआ है। तो देखो आज पूरे विश्व शांति के लिए हवन किया है, रोग निराश के लिए। अब देखो कितने लोगों का मैसेज आएगा, सबको पैसों की आमदनी शुरू हो जाएगी, सबके रुके हुए पैसे आने शुरू हो जाएंगे, सब हो जाएगा। हाँ, आज ये है कि अभी भी अगर कोई अपनी कोई भी कोई जीन परी यक्षिणी वीर कोई भी साधना करवाते, मैं गारंटी देती हूँ, आज अभी शुरू करवाएंगे ना, मैं कल रात तक उनको साक्षात दर्शन दे दूंगी, मतलब दर्शन दिलवा दूंगी। बस प्रोसीजर बताऊंगी, कर लो कल रात तक ही उनको दर्शन मिलेगा। ट्रांसफर डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि अमावस्या अभी शाम को 4 बजे तक है, ट्रांसफर डायरेक्ट हो रहा है, ऐसे बोल रही हूँ। गुरुवार की रात शुक्रवार की सुबह, मतलब दोनों बीन के बिंदर आपको दर्शन हो जाएंगे, ये मौका मत गवाओ। कोई भी शक्ति आ लो, एनीवन, जो शक्ति बोलो, एक मेरे को कोई डिलवान शक्ति करके बोलते, कोई मुझे उसका नाम बरबर बोलने नहीं आता, वो शक्ति मुझे पता है, वो शक्ति भूत भविष्य हर चीज़ बताने में है, मसानी काली शक्ति, कोई भी शक्ति मैं आपको 24 घंटे के अंदर बता रही हूँ ना, आपको डायरेक्ट दर्शन देंगी। बस एक माँ, जैसे ही हवन, जैसे ही आपका पूजा होगा
हवन तो हो चुका है, क्योंकि आप फिर से हवन नहीं करना है तो बता रहे कितने की बैंड बजेगी। मैं प्रोसीजर बताऊंगी कल रात को, जैसे आप मुझे नाम फोटो एड्रेस देंगे प्रोसीजर पूरा करेंगे, पूजा पूरी होगी और कल रात को गुरुवार की रात शुक्रवार की सुबह 4 बजे के अंदर आपको दर्शन मिल जाएंगे, 101 बैंड गारंटी के अंदर दर्शन मिलेंगे और हर तरह का काम करेंगे। रुका हुआ धन अभी तो एक दो जन भाइयों को तो मैंने जो कल शक्ति दी है ना गुलाब शाह परी की, उनको तो देख लेना गुरुवार की रात तक तो खजाने का पता मिलेगा, जमीन के खजाने का पता मिलेगा कि इस जगह पे जमीन में खजाने है, एक दो जनों के गांव में है, खजाने का तक पता ला के देने वाली है। और देखना वो लोग यूट्यूब पे बोलेंगे 10 दिन के अंदर कि उनको मिल भी गया, गारंटी है। तो जिसको भी कहीं चाहिए अभी का अभी तुरंत का तुरंत आप करवा सकते हो, क्योंकि आज का मौका बिल्कुल मत गवाओ, अब का मौका मत गवाओ, क्योंकि ये साल का पहला अमावस्या का जो पूजा है सबके लिए बहुत अच्छा है, ये मौका मत गवाओ, क्योंकि ये महीना सबके लिए बहुत बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत लकी है, बहुत सारे जन पैसे वाले बनने वाले हैं। ये 2021 पैसों वालों की दुनिया, ये तो पक्का है। और अपने केशों के आने के लिए दुआ कीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय मां निवासिनी।